बहुत सारी चीजें देखी हूँ, एक्टिविटीज देखी हूँ इस साल में, तो गांधी जी के जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी एक्टिविटी हमारे स्कूल में निरंतर होती रही। उनमें से एक एक्टिविटी है या एक बात जो मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, और वो है कि गांधी जी ने स्वदेशी अपनाओ का नारा क्यों दिया। गांधी जी ने स्वदेशी अपनाओ का नारा इसलिए दिया क्योंकि वो चाहते थे कि हमारे देश के लोग सूती वस्त्रों का उपयोग करें, और उन सूती वस्त्रों का उपयोग करके जो भारत के लोगों की निर्भरता थी विदेशी वस्त्रों पर, उससे वो खत्म हो जाए और उससे हम आत्मनिर्भर हो जाए। क्या हो जाए? आत्मनिर्भर। इस आत्मनिर्भरता ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। भारत के अंदर सत्याग्रह जब चल रहा था, सत्याग्रह आप जानते हो कि एक अहिंसावादी आंदोलन जिसका विचार गांधी जी ने दिया, उस दौरान गांधी जी ने कहा कि हम लोग विरोध नहीं करेंगे, हम लोग विरोध का एक नया तरीका अपनाएंगे जिसमें हम स्वदेशी वस्त्रों का इस्तेमाल करेंगे, और उसी के दौरान उन्होंने सूती वस्त्रों का प्रयोग करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया। और गांधी जी की तस्वीर के साथ जो एक चीज सबसे ज्यादा जुड़ती है वो है चरखा। चरखा एक सिंबल है, एक प्रतीक है आत्मनिर्भरता का, जिसने बताया कि अब भारत